मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट, जो कि है 23/11 यानी कि नवंबर 2021। मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर है 115, क्लास 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम भी ज़रूर लिखेंगे। तो सबसे पहले है चित्र पहेली। ये चित्र एक बनाया, फिर चित्र दो बनाया। चित्र दो बनाते समय कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आपको वो पहचानना है कि क्या गलतियां हैं, उनमें गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे ये कार इस तरह है जबकि यहाँ इस तरह, तो हम यहाँ इस पे गोला लगा देंगे। तो तीन और गलतियां पहचानिए और अपने ही फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेकर उसमें गोला लगा कर भेजिए। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नाम है आओ समूह बनाएं। राहिल और फैज़ा को एक पुराने बक्से में 10 कंचे मिले, जिनको उन्होंने आपस में बांट लिया। लेकिन राहिल ने फैज़ा से कहा कि तुमने मुझे कम कंचे दिए हैं, चलिए हम उनके कंचों को बराबर बांटें। यह काम हम कंचों से नहीं बल्कि पुराने कागज़ों की गोलियां बनाकर करेंगे। सबसे पहले आप कागज़ की 10 छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब उनको दो बराबर समूहों में बांटिए। तो आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। कितनी? 10। बनाने के बाद आपको उनको दो बराबर समूहों में बांटना है। चलिए हम फेज़ा और राहिल के लिए बांटते हैं। अब इसके बांटने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मान लो ये तीन गोलियाँ हमने फैज़ा को दे दी, ये वाली तीन दोबारा हमने राहिल को दे दी, दोनों के पास तीन तीन हो गई। अब बची 4, तो इसमें से ये दो मैंने दे दी फैज़ा को और ये दो दे दी राहिल को। तो फैज़ा के पास कितनी गोलियां हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, और राहिल के पास भी 1, 2, 3, 4, 5 गोलियां। यानी कि हमने 10 जो गोलियां थीं उनको बराबर बांट दिया दो के समूह में, 5, 5। तो आपने राहिल को कागज़ की कितनी गोलियां दी, हमने राहिल को कितनी गोलियां दी, 5। फैज़ा को कागज़ की कितनी गोलियां मिली, उसको भी 5 ही मिली। क्या दोनों को कागज़ की गोलियां बराबर संख्या में मिली, हाँ, उसको भी 5, इसको भी 5, तो इधर हम लिख देंगे हाँ, ठीक है। उसके बाद फैज़ा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। अब कागज़ की 10 गोलियों को सभी सदस्यों में बराबर बांटिए। अब देखिए ये कागज़ की कितनी गोलियाँ हैं, 10, इनको हमें बराबर बांटना है। तो 10 को हम पहले सबको एक एक दे देते हैं, फिर हम दोबारा एक एक दोबारा देते हैं। तो ये कितनी हो गई हैं, 5, 2 गोलियां सबको मिल गई, 5 सदस्यों को 2-2 गोलियां मिल गई। तो हर परिवार के हर सदस्य को कितनी गोलियां मिली, 2 गोलियां मिली, बराबर बराबर बांट दिया हमने। अब आप कागज़ की 20 गोलियां बनाइए। आप कागज़ की इन 20 गोलियों को नीचे लिखे समूहों के अनुसार बराबर बांटें। आप अपने बनाए हुए समूह की तस्वीर अपनी अध्यापक अध्यापिका को भी भेज सकते हैं। तो बच्चों कैसे करना है, समूह को बनाने के बाद नीचे टेबल को पूरा करना है आपको। जैसे हमने ये ले ली हैं पूरी 20 गोलियां, कितनी गोलियां हैं, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक और थोड़ा सा, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये पूरी 20 गोलियां हैं। अब हमें बराबर समूह में बांटनी है। तो सबसे पहले दो बराबर समूह में बांटेंगे तो 10-10 हो जाएंगी। तो ये जैसे 10 हो जाएंगी और 10, तो 10-10 हो जाएंगी दो समूह में, एक समूह दो समूह हो जाएगा। तो अब अगला है 4 बराबर समूह में बांटनी है। 4 बराबर के लिए हमें 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो अगर मैं ये 5 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 इसको 5 कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 इसको भी 5 कर दिया और लास्ट में बचे हुए को भी 5 कर दिया, तो यानी कि 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15 और 15, 5, 20। तो यानी कि 20 हो जाएंगी अगर मैं 5, 5 के समूह में बांट दूं। तो 4 बांट दूं तो 5, 5 गोलियां बांटने पे 4 के समूह में हो जाएंगी। तो कितनी मिलेंगी सबको, 5 गोलियां। चलो इसे दूसरे तरीके से करते हैं। अब ये है 20,
इस 20 को अब हमें पांच बराबर समूह में बांटना है, 1 2 3 4 5। तो अब हमें पांच में बांटना है, तो कितनी कितनी मिलनी चाहिए? इधर अगर हम चार चार सबको दे दें, चार चार गोलियां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हो जाएगा ना 20 पांच समूहों में। तो यानी कि इसमें हो जाएंगी चार गोलियां, चार गोलियां। अब आपको 10 बराबर समूह करने हैं, 20 के 10 समूहों में बांटना है, तो कितनी कितनी गोलियां मिलेंगी सबको वो आपको इधर लिखना है। तो ये अच्छे से करिए, गोलियों को बांटिए और फिर मुझे बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप बच्चों को उन खेलों के बारे में बताइए जो आप बचपन में खेला करते थे। और COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि मास्क पहन के ही बाहर जाना है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट कीजिए और कोई भी समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।